Good morning, friends. Till now, we have understood the investment decision and financing decision under the financial decisions. Now, the third decision taken by a finance officer is dividend decision. So, let's start dividend decision. Dividend profit का वह part है जो हम shareholders को dividend के रूप में distribute करते हैं. So, dividend decision involves deciding the amount of profit to be distributed among shareholders and amount of profit to be retained in the business to meet investment requirements. अब हमें current year और previous year में जो भी profit earn होता है उसमें से कुछ part हम shareholders को dividend के रूप में distribute करते हैं. So, dividend decision में एक finance officer यही decide करेगा कि उसे कितना अमाउंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कुछ अमाउंट फाइनेंस ऑफिसर अपने रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करेगा, सेविंग्स में ट्रांसफर करेगा, ताकि इस रिटेन्ड अर्निंग को हम बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर सके. यह रिटेन्ड अर्निंग शेयर होल्डर्स वेल्थ है, ओनर्स मनी है, इसलिए इसकी कंपनी को कोई कॉस्ट नहीं लगती. इसे ही हम इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं. तो यह एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि यदि हम अपनी रिटेन अर्निंग को बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट करें तो बिजनेस की फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है. इसके साथ ही फाइनेंस ऑफिसर को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक साउंड डिविडेंड पॉलिसी से मार्केट में शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है. मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने से शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज होती है, हमारे इन्वेस्टर्स भी इंक्रीज होती है. सो वी हैव टू लर्न द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस. द फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स. डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर इनकम. मोर अर्निंग्स ग्रेटर रेट ऑफ डिविडेंड एंड वाइस वर्सा. अब यह डिविडेंड हमारी अर्निंग्स में से पे किया जाता है, तो यदि हमारी अर्निंग्स ज्यादा है, इनकम प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. यदि हमारी अर्निंग्स कम है तो हम कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. द सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. स्टेबल एंड रेगुलर अर्निंग्स विल प्रोवाइड हायर डिविडेंड. यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल, यूनिफॉर्म, रेगुलर अर्निंग्स है, इनकम प्रॉफिट है, तो हम ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेकिन यदि हमारा प्रॉफिट रेगुलर नहीं है, किसी साल ज़्यादा होता है, किसी साल बहुत कम होता है, तो ऐसे केस में, अनस्टेबल अर्निंग्स केस में, हम ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. द थर्ड इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. कुछ कंपनीज अपना डिविडेंड रेट फिक्स रखती है, स्टेबल रखती है. जैसे रेट ऑफ डिविडेंड लाइक 10%, इसका मतलब यह कंपनी हर साल 10% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है. और द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर इज ₹1 पर शेयर. इसका मतलब कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को एक शेयर के पीछे ₹1 का डिविडेंड देती है. इस तरह की स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज कुछ कंपनीज मेंटेन करती है, ताकि शेयर होल्डर्स का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बना रहे और वे इस कंपनी में रेगुलरली इन्वेस्ट करें. अब इस पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए कंपनीज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्रिएट करती है, जिससे किसी साल यदि कम प्रॉफिट भी हुआ तो कंपनी इस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में से अमाउंट विथड्रॉ करके अपने शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है. यदि किसी साल कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा भी हुआ, जो टेम्पररी नेचर का है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, तब कंपनी सेम रेट ऑफ डिविडेंड ही डिक्लेयर करती है. उस साल कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट होने से भी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि यह प्रॉफिट टेम्पररी है. नाउ द फोर्थ इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. कंपनीज हैविंग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन नियर फ्यूचर डिक्लेयर लो रेट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन मोर अर्निंग्स फॉर री इन्वेस्टमेंट. जिन कंपनीज को नियर फ्यूचर में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं कि वे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो ऐसी कंपनीज डिविडेंड कम डिक्लेयर करती है और अपने प्रॉफिट को रिटेन करके रखती है,
ताकि इस प्रॉफिट को वे फिर से री इन्वेस्ट कर सके और वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सके। द फिफ्थ इज कैश फ्लो पोजिशन। अ कंपनी मे बी प्रॉफिटेबल बट शॉर्ट ऑफ कैश। ऐसा बहुत बार पॉसिबल होता है कि कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है लेकिन लिक्विडिटी कंपनी के पास नहीं है, कैश अवेलेबिलिटी नहीं है। सो ऐसी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाती क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए उन्हें कैश की जरूरत होती है। जब कंपनी के पास सरप्लस कैश होता है तो वे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, और यदि उनके पास लिक्विडिटी कम होती है, कैश की शॉर्टेज होती है, तो वे कम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। Now the sixth is shareholders' preference. Companies consider shareholders' preference for dividend decision. For example, retired, old, poor shareholders prefer regular dividend. इन shareholders की income ही यह dividend होती है। इनका livelihood या इनके घर में marriage ceremony हो या और कोई function हो तो वे dividend के ऊपर depend कर होते हैं, इसलिए वे प्रीफर करते हैं कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो उन्हें रेगुलर डिविडेंड पे करे। रिच शेयर होल्डर्स प्रीफर री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन कंपनी टू गेट कैपिटल गेन्स। रिच शेयर होल्डर्स रेगुलर डिविडेंड के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वे चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लिए जाए ताकि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो और इन शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन मिले। सो कंपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते समय सभी शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस को कंसिडर करती है और फिर रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड करती है। द सेवेंथ इज टैक्सेशन पॉलिसी। डिविडेंड इज टैक्स फ्री इनकम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स but company has to pay dividend distribution tax. Dividend is income के ऊपर shareholder को tax pay नहीं करना पड़ता, यह tax minus होने के बाद ही उन्हें मिलती है। लेकिन company जितना dividend distribute करती है उस distribution के ऊपर company को dividend distribution tax pay करना पड़ता है। So higher dividend distribution tax rate will give lesser dividend. यानी अगर गवर्नमेंट ने या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट बढ़ा दिया तो कंपनीज लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि इन कंपनीज को लेस अमाउंट ऑफ टैक्स भी पे करना पड़े एंड वाइस वर्सा। द एट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। डिविडेंड रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, सो मैनेजमेंट शुड कंसिडर इट। यदि कंपनी रेगुलर गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इससे कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होती है, इसलिए यदि मैनेजमेंट चाहता है कि उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो तो वे गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वे स्टॉक मार्केट रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। नाउ द नाइन्थ इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। A company having easy access to capital market follows liberal dividend policy and vice versa. जो कंपनी financially strong होती है या large size की होती है, वे यदि market में shares issue करे तो आसानी से investors उनकी company के shares purchase कर लेते हैं। यानि इन companies को अपनी retained earnings के ऊपर depend रहने की जरूरत नहीं है, ऐसी companies good amount of dividend declare करती है। So they follow liberal dividend policy and vice versa, मतलब जो companies की financial position strong नहीं है या वे बड़ी companies नहीं है, लोग उनके shares आसानी से purchase नहीं करते, उन्हें अपनी company में retained earnings बना के रखना चाहिए। The tenth is legal constraint. Companies have to follow provisions of Companies Act while declaring dividend. For example, provision of depreciation on assets and transfer to statutory reserve before dividend declaration. यानी companies को Companies Act की provisions follow करनी होती है। जैसे Companies Act में लिखा है कि company को regularly अपने fixed assets के ऊपर depreciation charge करना होगा, जबकि depreciation नॉन कैश एक्सपेंस है। इन कंपनीज को स्टैट्यूटरी रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना होगा। यदि कंपनी को रिटेन्ड अर्निंग की जरूरत नहीं है तो उन्हें इस रिजर्व को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है,
वे डेप्रिसिएशन और रिजर्व के अमाउंट को डिविडेंड के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपनीज को कंपनीज एक्ट के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। द लास्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। वाइल बोरोइंग लोन, लेंडर ने पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनी ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द फ्यूचर। जब भी कंपनी बोरो करती है मानी डिबेंचर से, बैंक लोन से, तो वे ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कंपनी इस परसेंटेज के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, ताकि इन लैंडर्स का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट सेफ रहे। सो कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट भी फॉलो करने पड़ते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। If you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you.